कि आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए। अगले दिन उसने फ्रिज खरीदा और इसी फ्रिज में आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को रख दिया था। वह रोज रात में एक एक कर टुकड़ों को महरौली के जंगल में फेंकने के लिए जाता था और आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रह रहा था। श्रद्धा मर्डर केस में जांच कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ा सबूत हाथ लगा है। आफ्ताब के बाथरूम में खून के ट्रेस मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने एफएसएल के अलावा सीएफएसएल से क्राइम सीन की जांच कराई थी। फॉरेंसिक जांच में आफ्ताब के बाथरूम से खून मिलने की पुष्टि हुई है। आफ्ताब के बाथरूम की टाइल से खून के निशान मिले हैं। इससे पहले एफएसएल को रसोई से भी खून के धब्बे मिले थे। पुलिस ने एफएसएल की जांच के अलावा ज्यादा तकनीक से लैस सीएफएसएल से भी सबूत जुटाए थे। हालांकि अभी सीएफएसएल की रिपोर्ट आने में 2 हफ्ते लगेंगे। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। साकेत कोर्ट ने सोमवार को इसकी अनुमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं और जरूरत के मुताबिक कभी भी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम भी पूरी तरीके से तैयार है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट कराया जाएगा। आफ्ताब ने दोनों ही टेस्ट के लिए सहमति दे दी है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।